यहाँ पर कन्या आश्रम मितगई में आवासीय विद्यालय है, जिसमें तमाम सुविधा के बावजूद एक कमी रह गई है, पीने के पानी की सुविधा। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमारी गायत्री सिंह। अच्छा गायत्री जी, आप इस आश्रम में क्या करती हैं? मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करती हूँ। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आप सिर में पानी क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पानी का बहुत समस्या है, ना तो नल है ना तो कुआं है। तो आप कहाँ से पीने का पानी लाते हैं? हाई स्कूल के ग्राउंड के नल से लाती हूँ। तो आपके पीछे जो बहनें हैं और वो सब जाती हैं पानी ढोने के लिए? जी। तो आप ये पानी ढोने का काम कितने दिन से कर रहे हैं? 2008 से ही कर रहे हैं। अच्छा, आपको दिन भर में कितना पानी ढोना पड़ जाता है? 6-7 बाल्टी सबको। जी। और ये जो आश्रम में ये नल का पाइप बिछा हुआ है, ऊपर टंकी है, क्या इसमें कभी पानी आया है? नहीं। विद्यार्थी यहाँ पर रहकर आवासीय विद्या अध्ययन करते हैं, जिसमें रहने के लिए इसके बिस्तर और तमाम सुविधा है, बिजली, पर यहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है। बच्चे यहाँ आधा किलोमीटर दूर से सर पर पानी ढोकर अपना पीने का पानी, नहाने का पानी या खाने पीने के लिए उपयोग किया गया पानी सब ढोके। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि पेयजल व्यवस्था करने वाले अधिकारी एडिशनल कमिश्नर पाई लकड़ा को नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल कर पानी का व्यवस्था करें, इसके लिए दबाव बना रहे। मैं आशित राय, ग्राम मितगई, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से इंडियन अनहर्ड के लिए।